डिंडोरी अमरपुर बजाग करंजिया के जनपद अध्यक्षों ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला पर सामान्य सभा बैठक में अनुमोदन कराए बगैर राशि का बंदर बांट और स्कूल छात्रावास में बगैर मरम्मत कराए राशि खर्च करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा से शिकायत की है। कलेक्टर ने जिला पंचायत से ईओ विमलेश सिंह को संबंधित कार्यों की जांच 10 दिन में करवा कर रिपोर्ट सौंपने का पत्र लिखा है। स्कूल छात्रावास में मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार, छात्रावासों की स्थिति दयनीय। करंजिया जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले के 7 विकास खंडों में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास, आश्रम में आदिवासी विकास विभाग द्वारा करोड़ों रुपए से मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए पैसा मिला है। उनमें मरम्मत और निर्माण कार्य कराए बगैर ही पैसा खर्च कर दिया गया। सवाल पूछने पर सहायक आयुक्त संतोष प्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। आज हम कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन दिए हैं। डिंडौरी जिले के 4 जनपद अध्यक्ष डिंडौरी, बजाग, अमरपुर और करंजिया, हम चारों लोग एकजुट होकर के ये जो मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था आदिवासी विकास से राशि, छात्रावास भवन, हाई स्कूल भवन, हायर सेकेंडरी भवन को मरम्मत कराने के लिए, वो काम हुआ नहीं। करोड़ों रुपया यहाँ से खर्च कर ली गई बिना काम का, उसके संबंध में हमने शिकायत किया है। और साथ ही आदिवासी बस्ती विकास योजना के तहत बिना प्रस्ताव, बिना बैठक के, बिना अनुमोदन के काम जारी कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। हमें उसमें कोई भी राशि नहीं मिल पाया हमारे जनपदों को। हम इसके सख्त खिलाफत हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इन काम का सही उचित जांच ना हो तो हम सभी अध्यक्ष आपस में मिलकर निर्णय लिए हैं कि आने वाले समय में हम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने जनहित में विशाल आंदोलन